नमस्कार, मेरा नाम आराध्या महेश कदम है। मैं तीसरे में पढ़ती हूँ। आज मैं एक कहानी बताने वाली हूँ। कहानी का नाम है भगवान शंकर और माता पार्वती के दो पुत्रों की। आपको पता है कि माता पार्वती के दो पुत्र हैं, उनका नाम है कुमार कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश। जो झगड़े करते रहते थे कि कौन श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान शंकर देव ने एक परीक्षा का आयोजन किया। वो एक परीक्षा का आयोजन किया, उसमें भगवान श्री शंकर देव ने अपने दो पुत्रों को बुलाया और कहा कि इस ब्रह्मांड की तीन परिक्रमा कर आओ। जो पहले कैलाश पर आएगा वो विजयी होगा। पर कुमार कार्तिकेय पूछते हैं कि इस ब्रह्मांड का कोई अंत भी नहीं है और कोई शुरुआत, तो फिर कैसे करेंगे? शंकर देव ने कहा कि मेरे त्रिशूल के पीछे जाओ। कुमार कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर चले गए, पर श्री गणेश कैलाश पर ही रहे। वो सोच में डूबे कि अर्थात ये ब्रह्मांड है क्या? और यहाँ श्री गणेश सोच में डूबे कि अर्थात ये ब्रह्मांड है क्या? वहाँ कुमार कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर परिक्रमा के लिए चले गए। और अभी भी श्री गणेश सोच में ही थे कि अर्थात ये ब्रह्मांड है क्या। उन्होंने सोचा और फिर उन्होंने माता पार्वती और भगवान शंकर के तीन परिक्रमा की। कुमार कार्तिकेय ने अपनी परिक्रमा पूरी की। भगवान शंकर इस परीक्षा का निर्णय लेने के लिए देवर्षि नारद को अधिकार दिया। और जब कुमार कार्तिकेय ने अपनी पहली परिक्रमा पूरी की तो उन्होंने नारद जी से कहा कि गणेश कब कहाँ तक है आया है। तो उन्होंने कहा कि श्री गणेश तो अभी कैलाश पर ही है। कुमार कार्तिकेय को लगा कि आज तो वही विजयी होंगे। फिर वो दूसरी परिक्रमा करने के लिए चले गए और यहाँ श्री गणेश बैठे रहे वही कैलाश पर। और अभी कुमार कार्तिकेय ने अपनी तीसरी परिक्रमा भी पूरी कर ली और वो कैलाश पर आए। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि नारद जी, विजयी कौन हुआ है? तो नारद जी कहते हैं श्री गणेश। वो कहते हैं कि कुमार कार्तिकेय ये सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं मुझे ये निर्णय मान्य नहीं। वो कहते हैं कि तुम अगर आप सभी को गणेश को ही विजयी ठहराना था तो आपने ये परीक्षा ली क्यों? और गणेश ने कैलाश को छोड़ा ही नहीं था तो उसने ब्रह्मांड की तीन परिक्रमा कैसे पूरी की? यह सुनकर माता पार्वती बोली कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है।